Hello and welcome all of you, and you're watching K Commerce Academy with me, Kunal Singhal. So this is the second video in the series of past adjustment. Ab kal ek question arise hua tha ki past adjustment hota kya hai. Dekhi, this is a sort of rectification for the omissions and the errors that have been made while preparing the final accounts. आपको financial statements, final accounts, partnership के बनाने थे और वो बनाते समय आप या तो कोई चीज़ भूल गए या फिर कोई चीज़ आपने गलत appropriate कर दिया, उसके लिए हम past adjustment करते हैं. जब past adjustment करने हैं तो हमें mainly दो rules अपने mind में याद होने चाहिए. क्या? That is, whenever anything is to be given to a partner, partner's capital account is credited, and whenever anything is to be taken from a partner, partner's capital account is debited. कल जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसमें से पहला क्वेश्चन ये है जिसको मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको. राम श्याम एंड मोहन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1:2. देयर कैपिटल्स वर फिक्स्ड, बहुत ध्यान दीजिएगा, देयर कैपिटल्स वर फिक्स्ड एट ₹3 लाख, 1 लाख एंड ₹2 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू दैम एट द रेट ऑफ 9% इंस्टेड ऑफ 10%, यानी 1% कम दिया. देना कितना था 10%, दिया कितना 9%, यानी 1% और एक्स्ट्रा देना है. द प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट वॉज ₹2,50,000. हालांकि इसका कोई यूज नहीं है क्वेश्चन में. शो योर वर्किंग नोट्स एंड पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री. क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और फिर हम इसके सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं. सो आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 61. दिस इज क्वेश्चन नंबर 61. वी हैव द पार्टनर्स राम श्याम एंड मोहन शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:2 गिवन इन द क्वेश्चन. द मेन डिफरेंस इन दिस क्वेश्चन इज दे आर हैविंग द फिक्स्ड कैपिटल्स. The capitals are given to us in the question as ₹3 lakh, ₹1 lakh and ₹2 lakh, and these are fixed. So because these capitals are fixed, whatever adjustments we are gonna made will be made through the current accounts. है ना, आप लोगों को याद होगा कि fixed capital method में हम current account का use करते हैं. The interest on capital was allowed to them at the rate of 9% instead of 10%. इसका मतलब क्या है, हमें उन्हें 1% और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, एक्स एडिशनल 1% और देना है. ठीक है, दे देंगे. क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट्स भी गिवन है जबकि इनका कोई भी यूज इस सॉल्यूशन में नहीं होगा. ओके, लेट अस स्टार्ट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 1%. 1% ऑफ 3 लाख, 1% ऑफ 1 लाख एंड 1% ऑफ 2 लाख. सो ये हमें क्या करना है, पार्टनर्स को देना है. वेन एवर एनीथिंग इज टू बी गिवन टू ए पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड, क्रेडिटेड एंड क्रेडिटेड. एंड एनीथिंग विच इज क्रेडिट फॉर द पार्टनर्स विल बी द डेबिट फॉर द फर्म. सो हमने ₹3,000 राम को दिया, 1,000 श्याम को दिया, 2,000 मोहन को दिया और टोटल ये 6,000 का डेबिट अमाउंट हो गया फर्म के लिए. फर्म का बैलेंस हमें इक्वल करना है. फर्म के पास डेबिट का मतलब होता है लॉस. सो ये हमने क्रेडिट में लिख दिया पूरा 6,000. और यहां पे देखिए, द लॉस ऑन अकाउंट ऑफ एडजस्टमेंट टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 2:1:2, दैट इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. सो ये 6,000 रुपीज का जो टोटल फर्म के पास में लॉस आ गया था, इसे तीनों पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में. सो दैट इज 6,000 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 गिव्स यू द शेयर ऑफ लॉस फॉर राम, मल्टीप्लाइड बाय 1 गिव्स यू शेयर ऑफ लॉस फॉर श्याम, एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 अगेन गिव्स यू शेयर ऑफ लॉस फॉर मोहन. और लॉस है तो हम डेबिट कर देंगे. आई रिपीट, पार्टनर्स के लिए क्रेडिट था तो फर्म को डेबिट कर दिया था और वो अमाउंट हमने क्रेडिट में लिखा फर्म के टोटल अमाउंट, और ये यहां पे क्रेडिट लिखा है फर्म के लिए तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, डेबिट. टोटल्स किया, टोटल करने के बाद में हमें निकालना है नेट इफेक्ट. तो सबसे पहले हम लेते हैं राम के लिए. तो राम का 2400 डेबिट है, 3000 क्रेडिट है, तो ऑब्वियसली जो 600 डिफरेंस अमाउंट है वो कौन सा वाला बड़ा है, क्रेडिट का बड़ा है. श्याम के लिए लेते हैं, श्याम का हमारे पास में 1200 डेबिट है, 1000 क्रेडिट है, तो कौन सा बड़ा है, इस बार डेबिट का बड़ा है. और मोहन के लिए अगर लेते हैं तो मोहन का हमारे पास में 2400 डेबिट है और 2000 क्रेडिट है, तो कौन सा बड़ा है, डेबिट का बड़ा है. अगर फर्म की मैं बात करूं तो फर्म डू नॉट हैव एनी डिफरेंस अमाउंट बैलेंस लेफ्ट. ठीक है, तो हमारे पास में बैलेंसेज आ गए हैं. द टू पार्टनर्स आर हैविंग डेबिट बैलेंस, वन पार्टनर इज हैविंग क्रेडिट बैलेंस.
इसी के अकॉर्डिंगली हम जर्नल प्रॉपर में जर्नल एंट्री पास करेंगे. लेट अस सी. श्याम एंड मोहन इज टू बी डेबिटेड. सो श्याम्स करंट अकाउंट डेबिटेड रुपीज 200, मोहन्स करंट अकाउंट डेबिटेड रुपीज 400 टू राम्स करंट अकाउंट रुपीज 600. मैंने करंट अकाउंट्स के यूज क्यों किए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट इज द पार्टनर्स आर हैविंग फिक्स्ड कैपिटल्स, और जब फिक्स्ड कैपिटल्स होते हैं तो हम जो भी एडजस्टमेंट है वो करंट अकाउंट से करते हैं. बीइंग करंट अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स एडजस्टेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 63. प्रॉफिट्स अर्न बाय अ पार्टनरशिप फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, यानी इक्वल पार्टनर्स हैं, बिटवीन द पार्टनर्स पंकज एंड अनु विदाउट चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उनसे चार्ज करना था, आप भूल गए. इंटरेस्ट ड्यू ऑन ड्रॉइंग्स वॉज पंकज रुपीज 3000 एंड अनु रुपीज 1000. ये अमाउंट्स दे रखे हैं जो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उनसे लेना था. पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री. क्वेश्चन को ध्यान से समझिए. So, this is question number 63, the second homework question. इस question में information है regarding interest in drawing. Interest in drawing हम partners से लेना था, वो लेना भूल गए. तो कोई दिक्कत नहीं है, अब ले लेंगे. तो शुरू करते हैं. Question में हमें given है कि कितने कितने interest हमें लेना है. Partners are equal partners, names are Pankaj and Anu. ठीक है. So, interest on drawing to be charged फ्रॉम द पार्टनर्स. तो पार्टनर्स से हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेंगे तो हम पार्टनर को क्या करेंगे, डेबिट. वेन एवर एनी थिंग इज टू बी टेकन फ्रॉम अ पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड. कितना कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना था, क्वेश्चन में गिवन है दैट इज 3000 वॉज टू बी टेकन फ्रॉम पंकज एंड रुपीज 1000 वॉज टू बी टेकन फ्रॉम अनु. तो पार्टनर्स का डेबिट, तो फर्म का क्या हो जाएगा, क्रेडिट. रुपीज 3000 इन द क्रेडिट कॉलम ऑफ द फर्म. ठीक है, और कोई एडजस्टमेंट क्वेश्चन में है नहीं. तो ये जो फर्म के क्रेडिट में 4000 है, यही फर्म के डेबिट में भी 4000 हो जाएगा. ठीक है, और यहां पे हम क्या लिखेंगे, फर्म के पास में डेबिट में है, इसका मतलब अगेन ये सिचुएशन क्या बनती है दैट पार्टनर्स को क्रेडिट करना है. तो देखिए, प्रॉफिट On account of adjustment for interest on drawing. So, कितना कितना है, 4000 rupees. किस रेशियो में, इक्वल, यानी कि 2000 हम लिखेंगे पंकज के क्रेडिट में और 2000 हम लिखेंगे अनु के क्रेडिट में. फर्म के लिए डेबिट, तो पार्टनर्स के लिए क्रेडिट. टोटल कर देते हैं, रुपीज 3000, 2000, 1000, 2000, 4000 एंड 4000. नेट इफेक्ट फॉर पंकज इट विल बी रुपीज 1000. कौन सा, डेबिट का बड़ा है तो डेबिट. फॉर अनु इट विल बी अगेन रुपीज 1000. कौन सा बड़ा है, क्रेडिट. फॉर फर्म इट विल बी नो नेट इफेक्ट. तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनी, पंकज हैज अ डेबिट एंड अनु हैज अ क्रेडिट. इसी के बेसिस पे हम अपनी जर्नल एंट्री करेंगे इन द जर्नल प्रॉपर. सो लेट्स सी. पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड रुपीज 1000 टू अनुज कैपिटल अकाउंट रुपीज 1000. बीइंग कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स एडजस्टेड फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. क्लियर है, हियर एंड्स अप दिस सेकेंड सोल्यूशन. एंड टूडेज होमवर्क क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 72, गिवन ऑन पेज नंबर 2.90. यू कैन डाउनलोड द
book of Mr. Grewal free of cost from the link provided in the description, and with the special thanks, gratitude and regard to Mr. Grewal for providing this book free of cost.